मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन तब तक इन ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, साथ ही इनकी सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी इन ईवीएमों की निगरानी कर रहे हैं। सागर लोकसभा सीट पर हुए मतदान में करीब 65% मतदान दर्ज किया गया है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लिधौरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। दरअसल बीते दिन हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला आगामी 4 जून को नतीजे वाले दिन होगा। लेकिन इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनकी निगरानी की जा रही है। बता दें कि सागर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की लता बानखेड़े और कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला के बीच है। अब इस चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है, यह तो फिलहाल 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर।